आज रिकॉन करते हैं। ये अपना 10 इंची का सबवूफर है जो कि अपना 120 डबल मैग्नेट की इसकी किट है। देख सकते हैं ये अपना 120 और इसमें डबल मैग्नेट है जो कि अपनी 40 mm करीब है, पूरा 40 mm है। आज इसे रिकॉन करते हैं। ये पहले बना हुआ था, इसमें ऑलरेडी सिर्फ स्पाइडर चेंज कर रहे हैं। इसकी कोइल हीट गन से गर्म करके बोन टाइट अलग करके इसे सेफ निकाल दी गई है। ये वाली कोइल यूज़ करेंगे। 38.38 mm इसका साइज है और ये अपना स्पाइडर और इसमें लगने वाली कोन जरी कोन का भी बढ़िया सफाई कर ली गई है। ओनली सिर्फ इसमें स्पाइडर चेंज किया जाएगा। रिकॉन करने से पहले इसकी जो सारी गंदगी है जो ग्लू की वो सारी सफाई कर लेंगे बढ़िया से, जहाँ कोन लगानी है वहाँ पे और स्पाइडर वाला एरिया सफाई करके फिर आगे रिकॉन करते हैं। और सफाई करने से पहले जो इसकी कोइल के अंदर का एरिया है उसमें गंदगी ना जाए, इस तरह की मास्किंग टेप से इसके जो कोइल का जहाँ कोइल फिट की जाती है उसे मास्किंग टेप से ढक देंगे ताकि सफाई करते समय इस तरह कचड़ा कोइल के अंदर ना जाए मैग्नेट के अंदर। इस तरह से ढकने के बाद ही अपनी चेसी को सबकी सफाई की करें। चेसी की सफाई करने के बाद इसमें कोइल सेट कर लेंगे। कोइल सेट कोइल कितनी अंदर और कितनी बाहर रखनी है, ये मैंने 12 इंच 600 वाट का स्पीकर बनाया था अपनी वीडियो में बता रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये कोइल सेट करने के बाद और ध्यान रहे ये जो कोइल के दोनों वायर हैं ये दोनों टर्मिनल के सामने हो ताकि हमें वायर की सोल्डिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें स्पाइडर लगाएंगे, बोंड को बढ़िया से चारों तरफ लगा देंगे। इसी तरह स्पाइडर में भी लगा लेंगे, स्पाइडर में भी चारों तरफ लगा लेंगे बढ़िया से। अब इसे कॉइल पे सेट करते हैं। स्पाइडर लगाने के बाद इसे चारों तरफ घुमा देंगे ताकि जो बॉन्ड है स्पाइडर में चारों साइड लग जाए बढ़िया से। अब कोइल और स्पाइडर के बीच में बॉन्ड मिला के लगाएंगे ताकि कोइल और स्पाइडर आपस में जॉइंट हो जाए। चलो मिला के ए और बी दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे। दोनों को बढ़िया से मिलाएंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। मिलाने के बाद अब कोइल और स्पाइडर के लगा लेंगे, बढ़िया से लगाएंगे
इसी तरह चारों साइड लगा लेंगे। लगा के फिर आगे बढ़ते हैं। बोन टाइट चारों साइड लगाने के बाद, चारों साइड लगाने के बाद इसमें कोन लगाएंगे। कोन लगाने के लिए वही अपना बोन्ड को चारों साइड लगा लेंगे। चेसी और कोन दोनों पे लगाएंगे। कोन पे भी लगा लेंगे। अब इसे कोइल के साथ अटैच कर देंगे। लगाने के बाद इसे भी चारों साइड घुमा देंगे ताकि ग्लू इसे हल्का दबा देंगे। ताकि ये चिपक जाए। कोन सेट करने के बाद अब कोन और कोइल के बीच में बॉन्ड लगाएंगे ताकि कोइल और कोन आपस में सेट हो जाए। अब इसे भी वही अपना ए और बी को बराबर और मिला के दोनों को बढ़िया से मिला के कोइल और कोन के बीच में लगा लेते हैं। चारों साइड बढ़िया से लगाएंगे ताकि कोइल और कोन की पकड़ बढ़िया रहे। चारों साइड लगा के फिर आगे चारों साइड कोइल और कोन के बीच में बॉन्ड लगा लिया। अब इसे 10 मिनट तक के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए बढ़िया से। फिर उसके बाद इसकी कोइल और कनेक्टर की वायरिंग करेंगे। कोइल और कोन आपस में जॉइंट हो गए। अब ये सूख गया है। अब उसकी जो कोइल के बीच में पैकिंग दी थी वो हटा के अब इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग सोल्डरिंग करने से लिए हमें वायर बाहर निकालने के लिए दो होल कर लेंगे ताकि लॉकिंग सिस्टम बन जाए। अब इसी होल के बगल में एक और होल कर लेंगे। इसी तरह दूसरे वायर के आगे भी स्पीकर वायर लेके वायर में कोइल की वायर में लपेट के इसे होल से होल से बाहर कर देंगे और फिर दूसरे होल में भी डाल के अब ये वायर बढ़िया से लॉक हो गई। अभी खींचने पे भी बाहर नहीं निकलेगी। इसी तरह दूसरी वायर में भी कर लेंगे। वायर को टर्मिनल से सोल्डरिंग कर लेंगे।
सोल्डिंग करने के बाद एक्स्ट्रा वायर को काट लेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे कोइल और कनेक्शन वायर में। सोल्डिंग करने के बाद अब एक बैटरी लेके चेक कर लेंगे, जब बैटरी से प्लस माइनस चेक कर लें। अब इसकी कैप लगा के अब इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं। अब इसकी कैप लगा दिए, अब इसे कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, इसके ऊपर कोई वजन रख के, ताकि कैप बढ़िया से सेट हो जाए। अब स्पीकर की साउंड टेस्ट करते हैं। ये साउंड बिना लो पास फिल्टर के थी, अब इसमें लो पास फिल्टर कनेक्ट करके इसकी साउंड टेस्ट करते हैं। अब ये लो पास फिल्टर से कनेक्ट करके इसकी साउंड है।